नीट 2024 का रिजल्ट आ गया और इस बार का रिजल्ट बहुत शॉकिंग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड है और इस बार के कट ऑफ भी बहुत हाई गए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ गई है, एग्जैक्ट कट ऑफ कि कितने मार्क्स से ऊपर अगर आपके होंगे तो ही आपको एक BMS कॉलेज मिल सकता है या किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। और जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो इस बार बहुत हाई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको अपना एक बेस्ट कॉलेज चूज करने के लिए अच्छी हेल्प मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है आपका नीट का रिजल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है, नीट के रिजल्ट का वेट किया है, बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा इस नीट रिजल्ट के बाद और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है इस रिजल्ट के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि एक 50th percentile मार्क्स दिए जाते हैं जो आपके रिपोर्ट कार्ड में आए होंगे, आपके मार्क्स में आए होंगे। अगर आपके मार्क्स उससे कम है तो आपको किसी भी BMS कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपके मार्क्स उससे ऊपर हैं तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके लो मार्क्स हैं, और अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर 50th percentile से कम मार्क्स है तो किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, किसी भी डोनेशन के थ्रू, किसी भी मेथड के थ्रू आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, केसेस चलेंगे, ये चलेगा, तो कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन कॉलेज तो ले लेगा पर यूनिवर्सिटी से जब एक साल बाद, डेढ़ साल बाद आपका मेन एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी का और आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप वैलिड ही नहीं है। और तब तक आपका डेढ़ साल निकल चुका, मतलब आपके दो नीट के एग्जाम और निकल गए होंगे और कम से कम आपका 2 से 2.5 साल का नुकसान भी हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, इस फ्रॉड में बिल्कुल नहीं फंसना है। अब जो मेन चीज है कि नीट की कट ऑफ इस बार क्या गई है। नीट की कट ऑफ यूजुअली पिछले साल जो जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 125-130 के बीच में गई थी, बट इस बार 164 इज द लोएस्ट मार्क्स। अगर 164 से आपके ऊपर मार्क्स हैं तो ही आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो ही आपको BMS मिल सकता है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो 129 मार्क्स इज द लोएस्ट मार्क्स। अगर 129 से ऊपर मार्क्स है तो ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि 100 से 120 के बीच में हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और बहुत कम चांसेस अब ऐसे रहते हैं कि कट ऑफ लोअर जाती है। ये तब होता था जब सीट्स खाली रह जाती थी कॉलेज में। इस बार 25 लाख स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था नीट का, इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, 720 मार्क्स इतने सारे स्टूडेंट्स के आए हैं कि उनको ही पूरा एम्स अलॉट हो जा रहा है। वहां पे भी सीट रिडक्शन बहुत हो गई है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। स्टूडेंट सारे जो भी हैं जिनको MBBS नहीं मिल रहा वो BMS चूज करें, क्योंकि अब बाहर जाने के ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। तो BMS कॉलेजेस जितने भी हैं वो जल्दी फेल होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर टाइम से, सही तरीके से, एक अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे और पहले ही अपना कॉलेज सेलेक्ट करके रखेंगे, पहले ही ये आपको पता होगा कि क्या आपको प्रेफरेंस फिल करने हैं, तो आपको कॉलेज मिलेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई बहुत अच्छा कॉलेज है और थोड़ा सा एक एवरेज कॉलेज है, अगर आप चाहते हैं आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है पर आप पहला वो फिल करते हैं, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं एवरेज कॉलेज मिलने के। बट अगर किसी को पता है कि मेरे को ये कॉलेज ही पहले चूज करना है और जो एवरेज कॉलेज है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठता है, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठता है, अगर उस कॉलेज को भरते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो यही स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और मॉप अप राउंड तक जाते जाते उनको मजबूरी में कॉलेजेस लेने पड़ते हैं। तो अगर आप पहले से ही चाहते हैं कि अगर आपको सही गाइडेंस मिले, सही कॉलेज मिले, सही मार्क्स के साथ जो आपके आए हैं उसमें कॉलेज सेटअप मिले और सही फीस के साथ भी मिले, तो आपको जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस की, जो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक लेके, आपको हमेशा वो गाइड करते रहेंगे ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं। आप सब चीज अपने, जो भी चीज आपके रिक्वायरमेंट है, आपके क्या मार्क्स है, क्या कैटेगरी है, वो सारी चीज आप लिख के व्हाट्सएप करेंगे, वहां से मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी, वहां से हेल्प करेगी और आपको गाइड करके आपको एक बेस्ट कॉलेज चूज करने में हेल्प करेगी। तो अपने फ्यूचर के लिए आज ही से स्मार्टली वर्क करना शुरू करें और कनेक्ट करें तुलसी आयुर्वेदा टीम के साथ। थैंक यू।